तो आइए हम लोग आज बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिरसा मुंडा से संबंधित इतिहास के बारे में जानेंगे, बिरसा मुंडा के माता पिता के नाम जानेंगे, उनका जन्म स्थल के नाम जानेंगे, बिरसा मुंडा हमारे बीच क्यों पॉपुलर है, क्यों प्रसिद्ध है उनके बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्यों दर्जा दिया गया है, सभी बिंदुओं पर हम जानकारी देंगे। तो आइए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर क्लास वाइज वीडियो उसको भी देखिए। तो बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहिए क्योंकि हम लोग झारखंडी है, झारखंड के वासी है, और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में नहीं जाने ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आइए जानते बिरसा जयंती और झारखंड की 23वीं स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 नवंबर एक ऐसी तिथि है जो झारखंड के इतिहास में एक सुनहरा अवसर लेकर आया। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ और 15 नवंबर 1975 ईस्वी को ही झारखंड का भगवान, झारखंड के जननायक, झारखंड धरती आबा का जन्म है। और 15 नवंबर को ही झारखंड के स्थापना दिवस के साथ साथ बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर। देखिए, बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक प्रमुख आदिवासी जननायक थे। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उलगुलाल को अंजाम दिया। उलगुलाल एक क्रांति, एक पिक्चर भी आया था उलगुलाल के नाम से, जो टैक्स फ्री पूरे झारखंड में दिखाया गया था, जिसमें बिरसा मुंडा की कहानी को चरितार्थ किया गया था। बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा मुंडा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में जानते हैं, पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लोग भगवान के रूप में उन्हें याद करते हैं। 15 नवंबर उनका जन्म दिन है। 15 नवंबर 1975 ईस्वी को झारखंड के जननायक, झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1975 ईस्वी को। और देखिए, 9 जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र कितना साल? 25 साल। मात्र 25 साल की आयु में वो एक महान इंसान बन गए। उनके जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म स्थल है उल्ली हातू, खूंटी में पड़ता है। खूंटी जो झारखंड का एक ज़िला है, और जो खूंटी जो अलग हुआ वो रांची से अलग हुआ, खूंटी रांची से अलग हुआ है, और हजारीबाग से अलग हुआ रामगढ़। उस समय खूंटी की स्थापना हुआ और वहीं उनका जन्म स्थल है। मृत्यु स्थल की बात किया जाए तो रांची में हुआ। आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम। बिरसा मुंडा हमारे देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और वे अपने समाज में अमिट छाप छोड़े। अपने समाज के नौजुवकों को एकत्रित किया अंग्रेजों के खिलाफ। आरंभिक जीवन के बात किया जाए तो उनका आरंभिक जीवन, सुगना मुंडा कर्मी हातू के पुत्र भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जन्म लिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड प्रदेश में रांची के उल्ली हातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद चायबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। उसमें आप समझ सकते हैं अंग्रेजों के समय में कितना स्थिति खराब हुआ होगा, पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या होगा, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। इनका जो मन था वो अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, हमें शोषण कर रहा था, उनके खिलाफ उनका मन सोचता था कि हम अंग्रेजों को कैसे दूर करें। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। वह अपने समाज का नेतृत्व किया, देश की आज़ादी में वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई।
ये देखिए 1894 ईस्वी में मानसून क्या होता है, बारिश, वर्षा नहीं हुआ। 1894 ईस्वी में बारिश ढंग का नहीं होने से पूरे छोटा नागपुर में क्या हो जाता है, अकाल हो जाता है, मैंने बारिश नहीं हुआ, क्योंकि उस समय का जो खेती बाड़ी था वो सिर्फ मानसून पर निर्भर था, मानसून बरसात के दिनों का बारिश, और जब बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं बोया गया, और जब फसल नहीं बोया गया तो पूरे छोटा नागपुर परमंडल में क्या हो गया, अकाल की महामारी फैल गई। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी किया। आइए कौन कौन विद्रोह का नेतृत्व किया देखते हैं। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित किए, मतलब 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को अपने समाज के लोगों को एकत्रित किए, एकत्र कर इन्होंने अंग्रेज़ों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। अंग्रेज उसमें लगान टैक्स ज़्यादा लगा देता था, पैदा हुआ या नहीं हुआ उससे अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं था, शरीर बेच के भी देना था तो देना था। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। किन्हें? बिरसा मुंडा को। हजारीबाग हजार बाघों का शहर था पहले, जो अब बाघों का शहर हो गया। हजारीबाग से अनेक ज़िले अलग हुए हैं, जैसे चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और न जाने कितने ज़िला अलग हुए हैं। और हजारीबाग का जो केंद्रीय जेल है, कारागार जेल है, सेंट्रल जेल, वो पूरे झारखंड में फेमस था। यही केंद्रीय जेल से जेपी जयप्रकाश नारायण जी भागे थे और उन्हीं के नाम से जयप्रकाश नारायण कारागार पड़ा। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहयोग करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा जाता था। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाने लगा और उन्हें लोग पूजा करने लगे, क्योंकि वो गरीबों के सेवक कर रहे थे। उनके प्रभाव की बुद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। विद्रोह में भागीदारी और अंत देखते हैं, कौन कौन से विद्रोह में हुए भागीदारी निभाएं, और फिर लास्ट में उनका अंत भी देखेंगे कि उनकी मृत्यु बहुत दुखदायी से होता है। 1897 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था। मतलब 1897-1900 के बीच में मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध हमेशा हो रहा था और इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा ही कर रहे थे, जिससे अंग्रेज परेशान हो गया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने का घेराव किया, खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। उसमें इन लोगों का हथियार क्या था, तीर धनुष, और जो खूंटी थाना था उसको पूरा घेराव कर दिया, उस पर धावा बोल दिया 400 सिपाहियों के साथ बिरसा मुंडा। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तारियां हुई। देखिए 1898 का बात है, नदी का नाम है तांगा नदी, नदी के किनारे मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भिड़ंत होता है, ज़ोरदार टक्कर होती है, अंग्रेज और मुंडाओं के बीच लड़ाई होती है। अंग्रेज शुरू में तो हार गया, लेकिन अंग्रेज ने बहुत सारे चाल चलती थी, जिसके कारण मुंडाओं को हार खाना पड़ा और फिर बहुत सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ। 1900 ईस्वी में एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष स्थान का नाम है डोमबाड़ी पहाड़ी, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। बताइए, औरतें और बच्चे भी इस युद्ध में शामिल हुए थे, औरतें और बच्चे भी इस भिड़ंत में शामिल हुए थे, अंग्रेज और मुंडाओं के बीच का यह आंदोलन की बात है। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अंग्रेज से कैसे लड़ेंगे इसके बारे में बिरसा मुंडा बता रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई थी,
अंत में स्वयं बिरसा ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तारी होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली, रांची जेल में। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर में है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा मुंडा के नाम से कई पार्क हैं। बिरसा मुंडा के नाम से रांची का हवाई अड्डा भी है। बिरसा मुंडा के नाम से कई योजनाएं हैं। बिरसा मुंडा के नाम से रांची का केंद्रीय कारागार है, जेल है। तो बिरसा मुंडा पर आइए, बिरसा मुंडा को सत सत नमन कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप झारखंड के हैं तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको जानना चाहिए। झारखंड के वासी हैं तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत कुछ आपको जानना चाहिए और आपको झारखंडी होने पर अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए। बोलिए जय झारखंड।